हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत डिलीशियस खट्टी मीठी एंड चटपटी ये रेसिपी, आम की लॉन्ची। बहुत ही डिलीशियस टाइप की चटनी है ये, जिसे हम अक्सर अपने घरों में बनाते हैं गर्मियों में, एंड बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं और बहुत चटपटी टाइप होती है। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। ये मैंने 3 आम लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। आप भी वॉश करके अच्छे से चॉप करो। थोड़ा सा सौंफ लेना है आपको, मेथी दाना, अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, सरसों एंड कलौंजी, एंड थोड़ा सा गुड़ लेना है, ये सारा नहीं लेना। ऑयल, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक, मिर्च, काला नमक एंड थोड़ी सी हींग। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें एक कढ़ाई लेनी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। थोड़ा सा तेल गरम हो जाए हम डालेंगे जीरा, मेथी दाना, सौंफ, सरसों, सारी चीज़ें हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिलाएंगे इसे अच्छे से, जब तक इनका कलर थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। आप देख सकते हो कि ये ब्राउन हो रहा है। मैं थोड़ी सी डालूँगी हींग। अब ब्राउन हो गया है तो अब हम मैं कटी हुई अम्बी जो मैंने काटी है उसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी। सो गाइस, आप इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। आप अपने हस्बैंड को खिलाओ, आप अपने वाइफ को खिलाओ, या फिर आप अपने पेरेंट्स को या बच्चों को। तो ऐसी चटपटी चीज़ें बनाओ और खाओ, और मुझे भी बताओ कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। कच्चे आम से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। चटनी भी बनती है, लौंजी भी बनती है, अचार भी बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो आप प्लीज़ अपने घर में बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और मस्ती करिए इस लॉकडाउन में। अब हम साइड में थोड़ा सा गुड़ काट लेते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक आपको गुड़ काटना है, जिससे कि हमारी लौंजी में ये गुड़ डल सके। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, एंड अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए, गल जाए हमारी अम्बी, एंड थोड़ा नमक, लाल मिर्च, और गरम मसाला, और थोड़ा सा गुड़, और थोड़ी सी हल्दी भी डालिए। आप देख सकते हो ये बहुत उबल रही है और उबाला आ चुका है बहुत अच्छे से मिक्स करिए इसे। जितना अच्छा उबाला आएगा उतनी ये गाढ़ी होगी चटनी, और टेस्टी लगेगी, और आप देख सकते हो ये कलर इतना ब्राउन हो गया और मुझे अभी से मेरे मुंह में पानी आ गया। तो इसको थोड़ी देर और उबलने देंगे। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला मिला दिया मैंने। काला नमक मिलाया थोड़ा सा। आप देख सकते हो कि ये गाढ़ी हो चुकी है और ऑलमोस्ट बन चुकी है हमारी लौंजी। एंड आप भी इसको घर में ट्राई करिए और खाइए, और मुझे बताइए कि कैसी लगी। और अब मैं इसको सर्व करूँगी। आप इसको फ्रिज में डाल सकते हो और ये ठंडी ठंडी और अच्छी लगती है, और समर्स में बच्चों को बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी ट्राई करिए इसको, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें डली हैं वो बहुत बढ़िया हैं। आप इसको रोटी के साथ, परांठे के साथ, पूड़ी के साथ,
किसी के साथ भी आप खा सकते हो, या लंच या डिनर में एज अ चटनी भी आप यूज़ कर सकते हो. तो डू ट्राई इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, एंड प्लीज़ आप ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी. प्लीज़ कमेंट ऑन माय चैनल. बाय बाय, टेक केयर.